नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम बात करेंगे मई 2022 की। जी हां, हम जानेंगे मासिक राशिफल मई 2022 का और जानेंगे कि आपकी राशि के लिए, यानी कि आप जिस राशि में जन्मे हैं, आज जो आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि है, उसके लिए आने वाला मई का महीना साल 2022 में कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि की। तो मीन राशि वालों की बात करते हैं और जानते हैं मई के दौरान आपका करियर कैसा होगा। मीन राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से महीना अच्छा रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के प्रथम भाव में शुक्र के साथ जुड़ने से माह का पूर्वाग आपके लिए अनुकूल रहेगा। काम में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। दफ्तर में पदोन्नति के योग बनेंगे। कुछ जातकों के तबादले भी हो सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में प्रथम भाव में मंगल का आना आपको कामयाबी देगा। इस दौरान आप जोश में आकर कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं, इससे बचकर रहें। सप्तम भाव में बृहस्पति शुक्र और मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। व्यापार से आपको अच्छे लाभ की संभावना बनेगी। व्यावसायिक साझेदार से अच्छा लाभ होगा। इस दौरान नई व्यावसायिक साझेदारी भी हो सकती है। कुछ नए सौदे प्राप्त होंगे। जो लोग विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उनको और भी ज़्यादा फायदा होगा और व्यापार बढ़ेगा। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। पंचम भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से, बृहस्पति के प्रथम भाव में शुक्र के साथ होने से विद्यार्थियों को लाभ होगा। यह महीना शिक्षा की दृष्टि से बहुत अनुकूल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने वाले विद्यार्थियों को हर प्रकार से सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको अच्छा गुरु प्राप्त हो सकता है। हालांकि उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को हल्के फुल्के व्यवधान का सामना करना होगा, फिर भी मेहनत का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने के लिए अच्छा समय है। प्रयास करेंगे तो सफल हो सकते हैं और विदेश जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने सामान्य स्थितियां रहेंगी। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने से परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। माह के पूर्वार्ध में राहु और सूर्य के एक साथ होने से परिवार में तनाव बढ़ेगा। विवाद की वजह से कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है। इस दौरान लड़ाई झगड़े से सावधान रहें। घर के बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें। पिता के साथ जितना हो अच्छे संबंध रखें। अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। माह के उत्तरार्ध के बाद धीरे धीरे समस्या में सुधार होगा। परिवार में एकजुटता दिखेगी। एकता के सूत्र में बांधे रखने में आपको भी सहयोग करना होगा। माह के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में बुध सूर्य का साथ होना भाई बहनों का प्यार बना रहेगा। आपके काम में उनका सहयोग और साथ भी मिलेगा। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की तो प्रेम संबंधी मामलों में यह समय अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से इस दौरान आप अपनी प्यार भरी बातों और ज्ञान के माध्यम से प्रियतम का दिल जीतने में सफल रहेंगे। उनके साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में हल्की फुल्की झड़प हो सकती है। सप्तम भाव पर बृहस्पति मंगल और शुक्र की दृष्टि होने से विवाहित लोगों के लिए अनुकूल समय रहेगा। इस दौरान जीवनसाथी का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप पारिवारिक मुद्दों पर उनके साथ विचार विमर्श करेंगे और उनकी सलाह आपको अच्छी लगेगी। संतान के लिए धार्मिक कार्यक्रम या पूजा पाठ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि विवाह में विलम्ब हो रहा हो तो इस महीने आपका इंतजार समाप्त हो सकता है। बात करें यदि आर्थिक जीवन की तो यह मिला जुला समय रहेगा। दूसरे भाव में राहु के होने से और द्वितीय भाव में शनि ग्रह के पूर्ण दृष्टिपात से आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता है। जमा की हुई पूंजी भी खर्च हो सकती है। धन का आगमन तो बना रहेगा लेकिन अत्यधिक व्यय के योग हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोग फायदे में रहेंगे। इस दौरान आप अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में विदेशी व्यापार से धन का आगम होगा। कई जातकों को पैतृक संपत्ति का फायदा मिलेगा। व्यापार से भी धन लाभ होगा। धार्मिक कामों पर खर्च होने के योग बनेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखने की आपको कोशिश करनी चाहिए और इस मामले में जीवनसाथी की सलाह पर अमल करें। निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लें और दीर्घ अवधि के लिए निवेश करने से बचें। बैंक से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना ठीक होगा। बात करें यदि आपके स्वास्थ्य की तो यह आपके लिए सामान्य रहेगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य माह के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में राहु के साथ रहेंगे। इसकी वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। किसी काम के बिगड़ जाने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इस दौरान किसी खास आदमी की दोस्ती से दूरी बनाए रखें। सोने और जगने का वक्त निर्धारित करें और देर रात तक काम करने की आदत से बचें। नियमित व्यायाम करने की आदत डालें और पौष्टिक भोजन करें। फिजूल की बातों पर मंथन करने की बजाय मनोरंजक किताबें पढ़ें या किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाएं। मानसिक तनाव आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, इसलिए ज़रूरी लगे तो डॉक्टर से बात करें।
शनि ग्रह की छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि से जोड़ों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ जातकों को गुप्त बीमारियों से निदान मिल सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान दें और तली भुरी चीज़ों से परहेज करें। बासी भोजन भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, इससे बचें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन एक बार या मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन संभव हो तो उपवास करें। बृहस्पतिवार के दिन कीले की वृक्ष की पूजा करें और बृहस्पतिवार के दिन बेसन का हलवा बनाकर भगवान श्री राम जी को भोग लगाएं और स्वयं भी भोग स्वरूप ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये था आपका मई 2022 का मासिक राशिफल। आशा करता हूँ इस राशिफल से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने की। आप सभी के लिए मई का महीना शुभ और मंगलदायक रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.